आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ अमेजन की तरफ से। ये एक इलेक्ट्रिक चेनसो है जो ग्राइंडिंग मशीन पे फिट होता है। आइए आज इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने परचेज किया है 1000 रुपीज़ पे। पैकेजिंग जो बहुत ही ख़राब है, लगता है यूज किया वाला भेज दिया क्या। ये इसका मैनुअल बुक, ये चेन, ये हैंडल ग्रिप, ये इसका आइटम है, ये इस पॉकेट हलंकी कुछ स्क्रू है, ये चेन कवर है, ये प्रोटेक्टिव कवर है, ये है उनका मेन पार्ट जिस पर चेन लगा जाता है, और ये बार 11 इंच का है, 11.5 इंच का बार है। आइए इसे फिट करके देखते हैं। मेरे पास एक ब्लैक एंड डेकर का ग्राइंडिंग मशीन है, आइए इस पर फिट करके देखते हैं। पहले से रिमूव करते हैं। ये डिस्क का लॉक है, ये स्पैनर है, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो, नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज एलेंकी नहीं मिला। मैंने एक एलेंकी सेट ख़रीदा ज़रूर था लेकिन पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, मुझे नहीं मिला, इसलिए क्लास से इसे खोल लेते हैं, लूज कर लेते हैं। इसका कवर हो गया, सबसे पहले इसे लगाते हैं। ये है आपका सेफ्टी एंटी स्लिप रिंग, मैं इसे लगा लेता हूँ। ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने के बाद लग गया आखिरकार।
इस प्रकार आप लगा लीजिए इसे। देन इसके ऊपर ये मैं थोड़ा वीडियो इधर कर देता हूँ। लग रहा है मुझे ये रबर निकालना पड़ेगा, मैचिंग नहीं हो रहा। खोल के देखते हैं। इसमें उल्टा अच्छा है इस प्रकार से। मैं से कस देता हूँ। आप जब भी इस प्रकार का कोई भी चीज़ अगर कसेंगे तो हमेशा याद रखिए कि बराबर कसना है दोनों साइड से। अब ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब इस पॉकेट लगाना है। ये रहा इस पॉकेट, ये वाला पोर्शन अच्छा से देख लीजिए और इसमें अच्छा से मिला के इसको डाला जाता है इस प्रकार। देन आप इसको लगा के इसमें लॉक कर दीजिए, और जैसे कि मैंने आपको बताइए है लॉक डिस लॉक, इसको लगा के इसका जो रेंच है इस प्रकार आते हैं। इससे आप इसको कस दीजिए अच्छी तरह से। अब ये हो गया, मैंने कस दिया इसे अच्छी तरह से। अब आपको इसमें एक मिलेंगे पेन एडजस्टर। ये चेन एडजस्टर का है, ये इसे आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये खुद ब खुद एडजस्ट होते जाएगा कसने के बाद। देन आप गाइड बार चेस्टन कंपनी का है, कंपनी
गाइड वायर लगा दीजिए जहाँ लगाना है, देख लीजिए इस प्रकार से। अब आप ब्लेड निकाल लीजिए। गाइड बार का साइज है 11.5 इंच का, चेन उलझ जाने से ना निकालना बड़ा तकलीफ होता है। मैं इसे निकाल लेता हूँ। चेन एडजस्टर को थोड़ा बाहर निकाल लीजिए। एक चीज़ हमेशा याद रखें, इसके यहाँ पे अच्छा से चेन लगाना पड़ता है, अदरवाइज स्लिप हो गया तो चेन नहीं घूमेंगे। इस प्रकार से ये हो गया, इस प्रकार से चेन लगा दिया। अब ये है इसका कवर, कवर लगाने के बाद ये कवर लगाने के बाद ये है आपका सेफ्टी, इसको लगाना ना भूलिए कभी भी। इसके यहाँ पे नट दिया गया है, ये दो वॉशर है और दो इनका। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, चेन को अभी टाइट मत कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, वरना बार फिर गिर जाएगा। ये करने के बाद चेन को एक बार चेक कर लीजिए। मैंने आई थिंक चेन ठीक ही टाइट किया है हाथ से ही, यहाँ से आप चेन एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार चेन को थोड़ा सा लूज ही रखे इतना में। ये है ऑयल बार, ऑयल के लिए वो ऑयल टैंक है, मैंने गलत नट कस दिया। ठीक ही है, ये मैंने उल्टा लगा दिया, ये कोई बात बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट फिटिंग हो गया। अब उसके बाद ये हैंडल, हैंडल एक इस प्रकार से
इस प्रकार से कस दीजिए। मेरा इलेक्ट्रिक चेन सॉ अब फिट हो चुका है, अब इसे ट्राई करके देखते हैं। ये है आपका ऑयल कैप। ऑयल कैप, ऑयल बहुत ज़रूरी है चेन में। ये है इसका ढकना। इस प्रकार आइए इसे ट्राई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल थोड़ा डाल लिया मोबिल, आप ट्राई करके देखते हैं। ये मेरा कुत्ता है घर, जो मैंने खुद बनाया। यहाँ पे ट्राई करते हैं इस। पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। चेन लूज हो गया, इसे थोड़ा टाइट कर लेते हैं, फिर एक बार काटते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको, पहले इसे लूज कर लीजिए चेन टाइट करने के लिए। यहाँ से टाइट कर लीजिए चेन को। ज़्यादा टाइट हो गया, मैं दोबारा फिर ट्राई करके देखते हैं।
फिर लूज हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर के छोटे छोटे चीज इसी से आप काट सकते हैं। अभी थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।